प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कविता जिसका शीर्षक है पथ की पहचान समझाने की कोशिश करूंगी। इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी, और बच्चन जी छायावादी कवि रहे हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और इनके जीवन के विषय में यहाँ दिया गया है। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे तथा लिखेंगे भी। तो चलिए हम लोग कविता की ओर चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। पहले कविता इस तरह से है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आज हम लोग यहीं तक अर्थ समझेंगे। तो चलिए इसका अर्थ हम लोग इस तरह से कैसे करते हैं, इसमें जो कठिन शब्द है मैं वो आप लोगों को लिखवा दूंगी और अभी बोल भी देती हूँ। जैसे इसमें आया है शब्द बटोही, तो बटोही का अर्थ होता है राहगीर, बाट का अर्थ है रास्ता, और एक शब्द आया है अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं है। तो आइए अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए, लक्ष्य चुन लेने के बाद उस काम की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर यही बतलाना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कवि कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले उसके विषय में सोच समझ कर आगे बढ़ने का प्रयास करो। हमारे जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी होती है, वह तो हमें स्वयं ही बनानी पड़ती है। दूसरे लोगों के कथन के अनुसार भी हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते, इसका निर्धारण हमें स्वयं ही करना पड़ता है। यहाँ देखेंगे आप कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इस संसार में बहुत से लोग पैदा हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कर्मवीर पैदा हुए जो अपने पैरों की निशानी यहाँ छोड़ गए, अर्थात उनके अच्छे कर्म के द्वारा उन्हें आज भी याद किया जाता है, उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। उन सभी कर्मठ पुरुषों ने काम करने से पहले बहुत कुछ सोचा विचारा होगा और तब काम को करने का प्रयत्न किया होगा। उनके पैरों की निशानी मुक है, चुपचाप है, मुक का अर्थ होता है चुपचाप, फिर भी बहुत कुछ बोलता है, और उन मुक निशानियों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और हमें उनके अनुसार ही अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करके और उसकी उसमें जुट करके कार्य करना चाहिए। वे भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किए थे और फिर उसके ऊपर जी जान से
मेहनत किया था तभी उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। अतः अंत में कवि यही कहते हैं कि हे राहगीर, उनसे प्रेरणा ग्रहण करो और अपना मार्ग निश्चित कर लो और तब उस पर चलना शुरू करो। यही है इसका अर्थ। आप लोगों को मैं इसका व्याख्या लिखवा दूंगी, इसे आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद।